चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह पर लगा चोरी का आरोप। जी हां, हाल ही में सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया का पहला ऑडियो सॉन्ग जारी किया गया, जिसके बोल थे आरा के होठलाली लगावेलू। जी हां, आरा के होठलाली लगावेलू का ऑडियो सॉन्ग जैसे ही जारी किया गया वैसे ही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका और 24 घंटे पे इसे यूट्यूब पर करीब 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन अब इसी के गाने के बारे में उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर दीपक दिलदार ने सुपरस्टार पवन सिंह पर लगाया गाना चोरी का आरोप। जी हां, उन्होंने बोला कि उनका 2017 में ही रिलीज हो चुका है, जिसके बोल थे कौना जिला के जिलेबी हाउ। जी हाँ, कौना जिला के जिलेबी हाउ का वीडियो सॉन्ग बैड म्यूजिक का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। उन्होंने बोला कि यह गाना पहले ही उन्होंने 1.5 साल पहले यानी कि 2017 में ही उनका गाना जारी किया गया, जिसे अब बदल के आरा के होठलाली लगावेलू कम्पोज करके इसे फिल्म में डाला गया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए पवन सिंह को धन्यवाद भी कहा है, लेकिन एक बार फिर से सुपरस्टार पवन सिंह पर गाना चोरी का आरोप लग चुका है। वैसे आपको बता दें पवन सिंह पर आए दिन कोई ना कोई गाने चोरी का आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आरा के होठलाली लगावेलू काफी ज्यादा भोजपुरी दर्शकों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक आरा के होठलाली लगावेलू गाना नहीं सुना है तो आप DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जाकर पवन सिंह का खूबसूरत गाना जरूर सुने, और जिन लोगों ने सुना है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का आरा के होठलाली लगावेलू गाना कैसा लगा।